हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम वो वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो वह वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और किस सर्वर पर बनाई जाती है, जो कि आपको लगता है कि वो PHP है, लेकिन वो PHP नहीं होती और ना ही वो वेब का किसी होती, वो होती है webact.com की, जो कि ये नया सर्वर लॉन्च हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, वेब का से तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जिसमें कि आपको वेब का में आपको प्रॉब्लम्स थी कि डाउनलोड काउंटर भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको ये डाउनलोड्स भी दिखाता है कि आपके कितने हिट्स हुए, और इस तरह से इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और इसमें यूज़र अपलोड का भी सिस्टम अवेलेबल है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि webact सर्वर की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सीखेंगे। तो हम सबसे पहला स्टेप है, आपको लॉग बैक यानी कि आपको विजिट करना है webact.com। webact.com पे विजिट करने के बाद तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर पहले से इसमें आपने लॉगिन रजिस्टर किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आपने इसको विजिट किया है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको एक चाहिए ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप अपना कोई यूज़र नेम डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ myhindi.only। और यहाँ पे आपको ईमेल चाहिए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ myhindi.in@gmail.com। यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका पासवर्ड हो, तो आप यहाँ पे एक अपना अच्छा सा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पासवर्ड लगाया, यहाँ से फिर से पासवर्ड, और यहाँ से क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एक कोई डोमेन सेलेक्ट कर देना है, जो कि आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। तो वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं वो डोमेन आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं MHP, चलिए कोई यहाँ पे myphpweb। तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को डोमेन दे दिया है myphpweb, और यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होता है webact.com। ये आपको यहाँ पे सिर्फ लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने के लिए आप इसको हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको एक डोमेन हम रजिस्टर करेंगे, उसको यहाँ में इस पर लगाना सीखेंगे, वो अगले वीडियो में हम सीखेंगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं #1 DJ Web Song, यहाँ पे लिख सकते हैं #1 DJ Song डाउनलोड। आप जो भी अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैटेगरी में आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है, आपको ब्लॉग बनाना है या कोई और वेबसाइट बनानी है या कोई और करनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सॉन्ग अपलोड डाउनलोड करने की वीडियो बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैंक पेज शो हो रहा है। तो ब्लैंक पेज शो होने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करोगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे व्यू आइटम पैनल। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने वेब का यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे इजीली, यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि #3 पर है ऑप्शन पैनल, तो आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है पैनल पे। पैनल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रीसेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीसेट्स पे क्लिक करना है। तो प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है ब्लैंक वेबसाइट या डाउनलोड साइट या सिंपल ब्लॉग। तो हमें चाहिए एक सॉन्ग डाउनलोड अपलोड करने वाली वेबसाइट, तो हम यहाँ पे डाउनलोड साइट के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाली वेबसाइट का लेआउट यानी कि स्क्रिप्ट इसने इंस्टॉल कर दिया है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए इसने लेटेस्ट अपडेट ऑटोमेटिक लगा देती है, और फोल्डर का कैटेगरी कोड भी ऑटोमेटिक ये इसमें लगा देता है। तो इस वेबसाइट की यही खासियत है कि इसने ऑटोमेटिकली ये आधा डिज़ाइन तो इसने करके दे दिया है। तो अब हमें करना क्या है, हमें देखिए यहाँ पे इसके कुछ लोगोज़ वगैरह हैं, इसके खुद के लोगोज़ हैं, और यहाँ पे दिख रहा है टेम्पलेट बाय webact.com। तो इनको कैसे हमें हटाना है, कैसे हमें इसे यहाँ लोगो अपना लगाना है, और यहाँ पे हम कैसे फोल्डर बनाएंगे, कैसे सॉन्ग अपलोड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे।
तो इस वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हम सीखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आपको ये कलर चेंज करना है, फोल्डर बनाना है, सॉन्ग अपलोड करना है, तो वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम और भी इस तरह से ईजिली वीडियोज़ अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।